प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सप्तदशा पाठा महर्षि दयानंदा। ये कक्षा 12 देख रहे हैं। कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत खंड है, जो आपके निर्देश दिए गए हैं इलाहाबाद यूपी बोर्ड द्वारा। जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जो है मेरे साथ किताब खोल कर बैठ जाएं और जो है हिंदी का जो संस्कृत खंड है सप्तदशा पाठा महर्षि दयानंदा, आज इसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं, पहला जो है अनुच्छेद है, सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम निग्रामे श्री कृष्ण तिवारी नाम नो धनाढ्य धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती पार्वतीयु भाद्रपदमासस्य नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशी उत्तर उत्तराष्ट्र अष्टदश शततमे विक्रमाब्दे पुत्ररत्नम जनयत। तो देखते हैं, सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नाम निग्रामे, टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनाढ्य धनी के औदीच्य विप्रवंशीयस का मतलब उत्तरी ब्राह्मण वंश के धर्मपत्नी ने और शिवस्य पार्वती धन यु हो जाएगा, तो शिव की पार्वती के समान भाद्रपद मासे का मतलब भादव महीने में नवम्याम तिथौ नवमी तिथि को गुरुवासरे का मतलब गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में एकाशी का मतलब हुआ 81 उत्तर मने और बाद में, उत्तर का मतलब 81 से और आगे, अष्टादश शतमे 10 8 18 शतमने 100 तमे वर्षे विक्रम संवत में पुत्र रत्नम अजायत पुत्र रत्न को जन्म दिया। देखते हैं लाइन टू लाइन, सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नामने ग्रामे श्री कृष्ण तिवारी नामनो धनाढ्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वती रियु भाद्रपदमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूल नक्षत्रे एकाशी उत्तर अष्ट दश शततमे विक्रम अब्दे पुत्र रत्नम अजायत। सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी उत्तरी ब्राह्मण वंश की धर्मपत्नी ने शिव के पार्वती के समान भादव महीने की नवमी तिथि को गुरुवार के दिन विक्रम संवत 1881 में पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो ये जो है आपका दो लाइन का पहला पैराग्राफ है, बीच में कहीं विराम नहीं है, इसलिए जो है दो लाइन एक ही पैराग्राफ के अंतर्गत आ रही है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, जन्मतः दशमे दिने शिवम भजेत अयम इति बुद्ध्याह पिता स्वसुतस्य मूल शंकर इति नाम अकरोत्। अष्टमे वर्षे च अस्य उपनयनम अकरोत्। जन्मतः दशमे दिने, जन्म के दशमे दिन शिवम भजेत अयम
अयम माने ये है, शिवम भजेत शिव का भजन करेगा या शिव का भजन करे। इति बुद्धया ऐसा विचार करके पिता स्वसुतस्य मूल शंकर ना इति नाम अकरोत। पिता ने स्वसुतस्य माने अपने पुत्र का मूल शंकर इति नाम अकरोत ऐसा नाम रखा। जन्म के दसवें दिन यह शिव का भजन करे ऐसा विचार करके पिता ने अपने पुत्र का नाम मूल शंकर इस प्रकार रखा। अष्टमे वर्षे च अश्योपनयनम अकरोत, च मने होता है और अष्टमे वर्षे आठवें वर्ष अश्य उपनयन उपनयनम अकरोत, अश्य मने इसका उपनयन संस्कार किया। और आठवें वर्ष जो है इसका उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार वो होता है मेरे छात्रों, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है लगभग 5 साल का 6 साल का, तो उसको जो है गार्जियन ले जा करके गुरु के पास जो है विद्या अध्ययन के लिए जो है गुरु जी को सौंप देते हैं। तो जिसमें बच्चे जो है सिर मुड़ाते हैं और जो है पीले कपड़े पहन करके गुरु जी के पास विद्या अध्ययन के लिए जाते थे गुरुकुल में, तो यह उपनयन संस्कार कहलाता था। अब देखिए इसी को जो है बिस्मिल्लाह के नाम से जो है जाना जाता है उर्दू में। आगे त्रयोदश वर्षम प्राप्त वते अस्मै मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत। तेरह वर्ष की आयु प्राप्त होने पर अस्मै माने इस मूल शंकराय इस मूल शंकर के लिए पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितवान। पिता ने क्या कहा, शिवरात्रि के व्रत का आचरण करने के लिए कहा। त्रयोदश वर्षम प्राप्ते अस्मै ही मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत। 13 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर इस मूल शंकर को पिता ने शंकर जी का यानी जो शिवरात्रि पर्व होता है शिवरात्रि व्रत रखने के लिए कहा। पितृआज्ञानुसारम पितुः धन आज्ञानुसारम पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर सर्वम अपि व्रत विधानम अकरोत सारे व्रत का विधि विधान किया। पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने संपूर्ण व्रत का विधि विधान किया। रात्रौ शिवालय स्वपित्रा समम सर्वान निद्रितान विलोक्य स्वयं जागृतो अतिष्ठत। देखिए लिखा हुआ है रात्रौ शिवालय रात्रि के समय शिवालय में स्वपित्रा समम अपने पिता के साथ सर्वान निद्रितान सबको नींद में सोए हुए विलोक मने देख करके स्वयं जागृतो अतिष्ठत स्वयं जागते रहे। रात्रि के समय शिवालय में अपने पिता के साथ जो है सबको सोया हुआ देख करके ये स्वयं जागते रहे। शिवलिंगस्य च उपरि मूषिकाम एकम इतस्ततः विचरन्तं दृष्ट्वा सशंकित मनसः सत्यम शिवम सुंदरम लोकशंकरम शंकरम साक्षात् कर्तुं हृदय निश्चितवान। देखिए कहाँ थे, सबको जब सोया हुआ देखा तो स्वयं जो है ये जागते रहे। और शिवलिंगस्य च उपरि और शिवलिंग के
चा माने और होता है, और शिवलिंग के ऊपर मूषिकम एकम इतस्ततः एक चूहे को इधर उधर विचरंता माने विचरण करते हुए दृष्टा माने देख करके संकित मनस, संकित मन से मन में शंका हो गई। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव और सुंदर, जो सत्य है शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला है और सुंदर है। लोक शंकरम, संसार का जो कल्याण करने वाले हैं शंकर जी, साक्षात्कार तुम उनका साक्षात्कार करने के लिए निश्चितवान, निश्चय कर लिया। फिर से देखें, जागृतो अतिष्ठत, स्वयं जागते रहे और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर विचरण करते हुए देख करके इनके मन में शंका पैदा हो गई और सत्य शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी जो संसार का कल्याण करने वाले हैं शंकर जी का साक्षात्कार करने के लिए इन्होंने निश्चय कर लिया। ततः प्रभृतयो शिवरात्रे उत्सव बोधिसत्वोत्सव इति नामना श्रीमद दयानंद श्रीमद दयानंदानुयायी नाम आर्य समाज नाम मध्ये प्रसिद्धो अभूत। ततः प्रभृतयो, तभी से शिवरात्रे, शिवरात्रि में उत्सव लिखा है, शिवरात्रि के उत्सव पर बोधि सत्व इति बोधिसत्व ऋषि बोधिसत्व इस नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाज के लोग या आर्य समाज के मध्य प्रसिद्ध हुआ। तभी से शिवरात्रि उत्सव ऋषि बोधिसत्व के नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाज के मध्य प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो है दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। यदा अयम 16 वर्षीय आसीत, जब ये 16 वर्ष के थे, 16 का मतलब 16 वर्षीय वर्ष के आसीत बने थे, जब ये 16 वर्ष की आयु को प्राप्त किए तदा अस्य कनीसी भगनी पिशुचकया पंचतत्वं गतः, तब इनकी कनीसी का मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी भगनी माने बहन पिशुचकया हैजी से पंचतत्वं गतः पंचतत्व को प्राप्त हो गई, यानी स्वर्ग सुधार गई। जब ये 16 वर्ष के थे तभी इनकी सबसे छोटी बहन जो है हैजी से पीड़ित होकर स्वर्ग सुधार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। वर्ष त्रयांतर अंतरम अस्य पितृव्यो अपि दिवंगतः, वर्ष त्रय अंतरम अस्य 3 वर्ष के अंतराल पर, यानी 3 वर्ष के बाद अस्य पितृव्यो अपि इनके पिता भी, यानी चाचा के लिए संकेत किया गया है, फिर भी देखते हैं पितृव्यो अपि इनके पिता भी दिवंगतः स्वर्ग सुधार गए। जब 3 वर्ष के पश्चात इनके चाचा जी का भी स्वर्गवास हो गया, द्वयोर अनयोः मृत्यु दृष्ट्वा आसीद अस्य मनसि कथम अहम कथम वायम लोकाः मृत्यु भयात् मुक्तः, अस्यादिति चिंतयतः एवास्य हृदयी सहस्यो वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः। द्वयो धन अनयोः, द्वयो माने दोनों, अनयोः माने इन दोनों की मृत्यु दृष्ट्वा, इन दोनों की मृत्यु को दृष्ट्वा माने देख करके आसीद अस्य मनसि इनके मन में कथम अहम कैसे मैं, कथम वा अयम लोकः अथवा कैसे यह संसार, लोक माने संसार, मृत्यु भयात् मुक्तः मृत्यु के भय से मुक्त होगा,
इति विचिन्ता ऐसा सोचते हुए एवास हृदय ही सहसेव इनके हृदय में सहसा मने अचानक वैराग्य प्रदीप प्रज्वलित वैराग्य का दीपक जल उठा। इन दोनों की यानी इनकी बहन और इनके चाचा जी की मृत्यु जब हो गई तब इन दोनों की मृत्यु को देख करके इनके मन में कैसे मैं और कैसे यह संसार जो है मृत्यु के भय से मुक्त होगा ऐसा चिंतन करते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक जल गया यानी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। एकस्मिन दिवसे अस्तंगते भगवत भास्वती मूल संग्रह ग्रहम अत्यजत। एकस्मिन दिवसे एक दिन अस्तंगते अस्त होने पर भगवत भास्वती भगवान सूर्य के मूल संग्रह ग्रहम अत्यजत मूल शंकर ने घर को त्याग दिया। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर यानी शाम के वक्त जो है मूल शंकर ने अपने घर को त्याग दिया छोड़ दिया। तो प्यारे छात्रों ये तीन जो है पैराग्राफ एक से तीन तक अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।